हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस सी साइंस जोन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ मैटर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मैटर होता क्या है, ठीक है, और मैटर और उसके क्या 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 नेचर्स हैं, है ना, मतलब कैसे कैसे वो डिफरेंट डिफरेंट शेप में आ सकता है, या फिर वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैसेस के फॉर्म में है, या किस किस फॉर्म में रह सकता है, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अंत में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम लोग नया वीडियो डालें तुरंत आप तक से वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फिर तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ मैटर। तो हमारे इन्वायरमेंट के आसपास या फिर हमारे अराउंड लगभग बहुत सारे मैटर्स प्रेजेंट होते हैं, किसी न किसी फॉर्म में प्रेजेंट है लेकिन हमको पता नहीं। तो उसी कुछ उन्हीं सब चीज़ों को जानेंगे कि एक्चुअल मैटर होता क्या है और उसका नेचर क्या होता है। जिस तरीके से आप लोग देखे होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे हमारा घर भी बनता है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थिंग्स या फिर मैटर्स बोल सकते हैं, थिंग्स से मिलकर बना होता है। सपोज जैसे क्या होता है आपका ब्रिक्स, ब्रिक्स है ना, सैंड, सीमेंट है ना, इन्हीं सब चीज़ों से क्या होता है मिलके बना हुआ है। मतलब कि हमारे अराउंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपका मैटर मिलेंगे, या फिर हो सकता है वो मिक्सचर हो या फिर क्या हो प्योर सब्सटेंस हो। क्या हो सकता है, या तो वो मिक्सचर हो या फिर प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि आपका मैटर में क्या होता है, मिक्सचर कैसे होता है, ठीक है। आप लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपका सोडा वाटर कह लेते हैं, ठीक है। सपोज हम लोग इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसका, सोडा वाटर कह लेते हैं। तो इसमें देखो क्या मिला है आपका, सोडा वाटर, सोडा वाटर, सोडा वाटर में अगर देखा जाए तो इसमें क्या क्या मिला है, इसमें सबसे पहले शुगर, शुगर हो गया आपका, क्या हो गया आपका वाटर, शुगर वाटर हो गया, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये सब क्या आपका मिक्सचर ही है ना। तो मतलब हालांकि ये मैटर के फॉर्म में है, सॉलिड लिक्विड या गैसेस, मैटर जो होता है सॉलिड लिक्विड या फिर गैसेस तीनों फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये आपको दिखा सोडा वाटर, ये जो कि किस फॉर्म में प्रेजेंट है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, बट लेकिन ये किसका मिक्सचर है, शुगर का है, वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें मिक्स है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि जितने भी जो आपका मैटर जो होता है वो क्या होता है आपका लगभग मिक्सचर ही होता है। और कुछ कुछ जैसे मैटर भी क्या होता है, अगर आपको देखा जाए मैटर जो होता है टू टाइप का होता है आपका, कौन सा, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंसेस एंड क्या हो गया आपका मिक्सचर। तो अभी हम लोग किसके बारे में देख रहे थे, मिक्सचर के बारे में देख रहे थे। तो अभी पूरा हम लोग मिक्सचर के बारे में ही डिस्कस करेंगे, मतलब जितने भी जो मैटर्स होते हैं उसमें किस किस टाइप का मिक्सचर है, या फिर उसको हम लोग फील करके या फिर टच करके, है ना, इस फॉर्म में हम लोग कैसे उसको ले सकते हैं। मतलब बोला जा सकता है कि आपका जितने भी मैटर जो होता है लगभग सॉलिड लिक्विड या गैसेस किसी भी फॉर्म में रहता है, लगभग वो मिक्सचर के ही फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, मिक्सचर के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे हम लोग किसका एग्जांपल लिए थे, सोडा वाटर का लिए थे, जिसमें सोडा वाटर में भी शुगर है और आपका वाटर है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। उसी तरीके से अगर हम लोग इसका लेते हैं पेन का लेते हैं, सिंपल जो लिखने वाला पेन होता है उसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो पेन में क्या होता है, इंक होता है, प्लास्टिक का होता होता है, और साथ ही साथ उसका निब भी होता है ना। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो ये हो गया आपका कौन सा, मिक्सचर। तो इसमें यह पूछा गया है कि कैन वी सी, टच एंड फील सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। तो क्या हम इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो इसको एक कॉलम बना के बताता हूँ, ठीक है, टेबल, एक टेबल के फॉर्म में बताता हूँ कि सॉलिड लिक्विड और जो गैसेस हैं क्या उस सबको हम लोग देख सकते हैं, फील कर सकते हैं या फिर टच कर सकते हैं। तो कॉलम देखते हैं, इसमें सबसे पहले दिया गया आपका, फर्स्ट में दिया आपका कैन, कैन यू सी इट, कैन यू टच इट, और थर्ड दिया आपका कैन यू फील इट, ठीक है, कैन यू फील इट। तो देखते हैं इसमें ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, और ये हो जाएगा आपका कौन सा, गैसेस, ठीक है, थ्री फॉर्म में इसको डिवाइड किया गया है, इसमें सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हम बोलते हैं, कैन यू सी इट, है ना, कैन यू सी इट,
तो सॉलिड में आ जाएगा आपका कैन यू सी इट, यस, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका यस, या फिर टिक कर सकते हो ऐसे राइट का, है ना। लिक्विड इसको देख सकते हो कि नहीं, हाँ यस, तो इसमें भी राइट टिक। गैस इसको देख सकते हो क्या, नहीं, तो इसमें नो। ठीक है, तो सबसे पहले कैन यू सी इट, इसमें हम लोग सॉलिड को देख सकते हैं, लिक्विड को देख सकते हैं, और गैस को भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन दूसरा बोला कैन यू टच इट, तो इसमें देखा जाए सॉलिड जो है उसको क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, यस yes। और आपका जो कौन सा है आपका ये लिक्विड है, लिक्विड को टच कर सकते हैं और गैस उसको टच नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके बाद बोला गया कैन यू फील इट, है ना, तो इसमें फील इट में देख सकते हैं सॉलिड को भी फील कर सकते हैं और लिक्विड को भी फील कर सकते हैं और आपका कौन सा गैस को भी क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे हम लोग कूलर जैसे ऑन करते हैं, कूलर ऑन करते हैं तो क्या होता है, ठंडी ठंडी हवाएं वहाँ से आती है तो बोलते हैं हाँ क्या मस्त ठंडा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं, ओ कूलिंग, है ना, बोलते हैं कि ना। तो उसी तरीके से जो आपका सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज जो होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले सॉलिड को देख सकते हैं, लिक्विड को देख सकते हैं, लेकिन गैसेज जब भी यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट है क्या उसको हम लोग देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। सेकंड, दूसरी बात, कैन यू टच इट, हाँ तो देखो भाई सॉलिड जो है उसको हम लोग क्या कर पा रहे हैं, टच कर सकते हैं, हाँ कि हमको क्या रहेगा सॉलिड थोड़ा बहुत ही रफ टाइप का है, या फिर लिक्विड जैसे वाटर है उसको हम लोग टच करते हैं, क्या हम लोग गैस को टच कर पाते हैं क्या ऐसे, है ना। अब टच तो हो रहा है लेकिन यहाँ पे बोल नहीं सकते कि यहाँ पे टच हो रहा है क्योंकि आपको ऐसे नहीं हो रहा है ना। तो उसके बाद कैन यू फील इट, क्या इसको फील कर सकते हैं, हाँ जैसे कि हमको भी सॉलिड चीज़ है, जैसे यहाँ पे मैं चॉक को पकड़ा हूँ ये सॉलिड है थोड़ा सा, तो हमको फील हो रहा है कि हाँ ये सॉलिड है, और लिक्विड जैसे कि वाटर। चलिए ठीक है, फिर ये तो हो गया आपका कौन सा, कैन वी सी टच एंड फील सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। इसके बाद देखते हैं डू सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस हैव डेफिनेट शेप, तो देखते हैं इसमें क्या, डू सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस हैव डेफिनेट शेप। ठीक है, तो क्या सॉलिड लिक्विड और जो गैसेस होते हैं उसका डेफिनेट शेप होता है, होता है क्या, नहीं। देखो सॉलिड का अगर देखा जाए, हाँ सॉलिड में क्या होता है डेफिनेट शेप होता है, हम लोग मान सकते हैं। सपोज अगर एक हम डस्टर का लेते हैं, सपोज ये डस्टर है, ठीक है, अब डस्टर जो दिख रहा है आपका सॉलिड फॉर्म में है आपका, तो ये बार बार चेंज नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम लोग किसका लेते हैं, सपोज हम किसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो गैस, गैस और वाटर का, ठीक, या फिर गैस या फिर लिक्विड ले सकते हैं ना, लिक्विड कुछ भी आ सकता है, है ना, लिक्विड का लेते हैं। सपोज हम लोग क्या करते हैं, एक यूटेंसिल लेते हैं, कैसा आपका ये कोनिकल फ्लास्क है, है ना, तो इस तरीके से कोनिकल जो फ्लास्क दिख रहा है इसमें अगर हम लोग वाटर को डालें तो वाटर क्या कर लेता है, इसी का शेप ले लेता है, ठीक है, बिल्कुल इसी का शेप। अगर ये क्या करते हैं ग्लास के जैसा रख लेते हैं आपका ऐसा, है ना, तो वाटर फिर से क्या कर लेता है, इसका शेप ले लेता है, मतलब इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, किसका, गैस का और उसी तरह सॉरी लिक्विड का, है ना, मतलब हम लोग देख सकते हैं कि आपका लिक्विड जो होता है, ठीक है, लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, मतलब वो जैसे हम जिस तरीके का यूटेंसिल लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो उसी शेप में कन्वर्ट होता जाता है। सपोज जैसे मैं बताया था कि ये कोनिकल फ्लास्क का जैसा दिख रहा है तो इस फॉर्म में आ जाएगा, और जैसे आपका ग्लास का फॉर्म दिख रहा है आपका इस फॉर्म में आ जाएगा, है ना। और जैसे मैं ये वाला आपका यूटेंसिल ले लेता हूँ, ठीक है, ये, ठीक है, तो इसके फॉर्म में क्या होगा आपका, इसी शेप में ये आ जाएगा। तो मतलब बोल सकते हैं कि लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, ठीक है, डेफिनेट शेप नहीं होता। अब उसी तरीके से गैस का देखा जाए, अब हम लोग क्या करते हैं, बैलून, बैलून जिस शेप में है, हार्ट शेप में है, सपोज आपका ये बैलून है इस तरीके से दिख रहा है ना, इस तरीके से दिख रहा है, तो बिल्कुल इसी शेप में आ गया। अगर बैलून क्या दिख रहा है आपका, बहुत सारा आपका इस फॉर्म में भी अगर होता है बैलून सपोज, ठीक है, ये, तो ये गैस क्या कर लेगा, इसी शेप में आपका आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब बोल सकते हैं कि आपका गैस और जो लिक्विड जो होता है उसका डेफिनेट शेप नहीं होता, मतलब बोल सकते हैं कि गैस और जो लिक्विड जो होता है उसका डेफिनेट शेप नहीं होता। तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं इसमें, थर्ड पॉइंट देखते हैं इसमें क्या आपका, डू सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस ऑक्यूपाई स्पेस, गैसेस ऑक्यूपाई डू सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस ऑक्यूपाई स्पेस, तो देखते हैं क्या सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस जो होता है स्थान घेरते हैं या फिर ऑक्यूपाई स्पेस, है ना। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले हम लोग किसका एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये डस्टर का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास ये डस्टर है,
डस्टर को क्या किया यहाँ पे रख दिए, ठीक है रख दिए। तो अब यहाँ पे हम लोग जैसे डस्टर को रख दिए तो ये यहाँ पे पूरा जितने भी एरिया है उसको क्या कर लिया आपका, वो लगभग कवर कर लिया, मतलब इसमें क्या है ऑक्यूपाई स्पेस है, मतलब ये क्या कर रहा है अपना स्थान ले रहा है। सेकंड, अब उसके बाद देखते हैं लिक्विड का देखते हैं, है ना, चाहे मैं खड़ा हूँ मतलब सॉलिड पार्टिकल्स के फॉर्म में हो या फिर कोई भी जो थिंग्स या फिर है ना, जैसे सॉलिड फॉर्म में है ये सॉलिड भी क्या कर रहा है आपका ऑक्यूपाई स्पेस, है ना। जैसे चेयर का एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारे पास चेयर है यहाँ पे या फिर बेंच है टेबल्स है ना, है ना, तो ये सब क्या करते हैं यहाँ पे ऑक्यूपाई स्पेस लेते हैं, है ना, मतलब अपना स्थान यहाँ पे घेर ही लेते हैं टोटल। अब उसके बाद ये वाला स्थान क्या हो गया, इसका हो गया। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं किसका, ये तो सॉलिड वाला हो गया, अब कौन सा लेते हैं एग्जांपल नंबर लिक्विड का लेते हैं, ठीक है किसका लिक्विड। सपोज हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल बता रहे हैं, ये आपका एक यूटेंसिल है इसमें पूरा वाटर फिल है, ठीक है वाटर फिल है, और जब हम लोग इसमें क्या करते हैं जो ग्लास होता है आपका ग्लास रहता है बिल्कुल सीधा है, सीधा ग्लास है ना, उसको क्या करते हैं इनवर्स करके या फिर उल्टा करके जैसे हम इसमें डालते हैं ऐसे, है ना, तो यहाँ पे क्या होता है वाटर के जो पार्टिकल्स है या फिर वाटर जो है यहाँ पे अंदर इंसर्ट नहीं हो पाता, ठीक है इंसर्ट नहीं हो पाता, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या प्रेजेंट है एयर प्रेजेंट है, तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट है वो भी क्या कर रहा है ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है ऑक्यूपाई स्पेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ इसके वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे जो वाटर्स हैं वो ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, मतलब यहाँ पे इस जो एम्प्टी जो ग्लास है उसमें वाटर फिल नहीं हो पा रहा है, मतलब गैसेस भी क्या करते हैं ऑक्यूपाई स्पेस मतलब स्थान घेरते हैं यहाँ पे, मतलब गैसेस भी है ना, और उसी तरीके से तो गैस का हो गया। अब किसका देखते हैं लिक्विड का देखते हैं, सपोज हमारे पास क्या आपका बॉटल है, ठीक है बॉटल है, बॉटल में जैसे हम लोग क्या किए वाटर डाले यहाँ तक से फिल हुआ, अब उसके बाद इसमें और कुछ डालेंगे क्या होगा ये टोटल फिल हो गया वाटर, इसमें वाटर फिल होने के बाद क्या हम लोग और वाटर डाल सकते हैं क्या, या फिर यहाँ तक से फिल होने के बाद इसमें और वाटर डाल सकते हैं क्या, इसमें नहीं डाल सकते, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो जितना भी स्पेस था उसको कौन ले लिया है आपका वाटर ने ले लिया है, तो इससे जाहिर ये हो रहा है कि डू सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब सॉलिड लिक्विड एंड जो गैसेस जो होते हैं वो क्या करते हैं ऑक्यूपाई स्पेस उसमें प्रेजेंट होता है, मतलब वो स्थान घेरते हैं। तो ये हो गया आपका ये वाला पॉइंट। अब आगे देखते हैं इसमें डू सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस हैव वेट, हैव तो क्या सॉलिड लिक्विड एंड जो गैस जो होता है उसमें वेट होता है, यस या नो, हाँ तो देखते हैं इसमें एक पार्टिकल के थ्रू देखते हैं कि सॉलिड लिक्विड एंड गैस जो होते हैं उसमें वेट होता है कि नहीं। इसमें देखते हैं कि देखो सबसे पहले सॉलिड के एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारे पास क्या है टू एम्प्टी बॉटल है हमारे पास, ठीक है टू एम्प्टी बॉटल है, ये सपोज हमारे पास एम्प्टी बॉटल दिख रहा है आपका ये, ठीक है ये एम्प्टी बॉटल है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं सैंड के पार्टिकल डाल रहे हैं, सपोज यहाँ पे बहुत सारे सैंड के पार्टिकल डाल दिए एक में और एक जो आपका एम्प्टी बॉटल है उसको एम्प्टी ही रखते हैं, ठीक है इसमें बहुत सारे सैंड के पार्टिकल डाल दिए। अब दोनों को क्या करते हैं अब ऐसे उठा कर देखते हैं, ऐसे ऊपर को उठा कर देखते हैं, तो एक हमको क्या लगता है थोड़ा सा हैवी लगता है और एक थोड़ा सा लाइटर लगता है, मतलब देखा जाता है कि हमको हैवी लगता है और एक हमको हल्का लगता है, तो मतलब जाहिर सी बात है कि जो सॉलिड पार्टिकल है, जैसे मैं यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल जस्ट लाइक आपका सैंड के सॉलिड पार्टिकल डाला था सैंड है ना, तो वो क्या हो गया आपका यहाँ पे हैवी है ना, क्योंकि उसमें मास सॉरी उसमें वेट प्रेजेंट है मतलब भार है उसमें, इस कारण से क्या हो रहा है वो इस कारण से हमको क्या लग रहा है कि ये थोड़ा सा वजन है, वजन टेबल लग रहा है ना, भारी लग रहा है, और ये क्या लग रहा है हमको हल्का हल्का फील हो रहा है इसमें, क्यों, क्योंकि इसमें जो सैंड के पार्टिकल इसमें है नहीं, मतलब जो सॉलिड जो होता है उसमें वेट होता है। सेकंड इसी में क्या लेते हैं, ये तो सैंड सॉलिड पार्टिकल्स हो गया, सेकंड नंबर पे देखते हैं आपको कौन सा वाटर, इसी एम्प्टी जो बॉटल है उसमें किसके लेते हैं लिक्विड के फॉर्म में क्या आपका वाटर है। सबसे पहले दोनों को कंपेयर करके देख लेते हैं कि कौन, दोनों तो बिल्कुल वेट में इक्वली है, लेकिन जब जैसे हम इसमें वाटर फिल करते हैं, ठीक है वाटर फिल करने बाद हाफ इसमें वाटर फिल कर दिए, इसमें वाटर फिल ही नहीं किए, ठीक है, तो हमको ये फील हो रहा है कि एक बहुत ज़्यादा भारी है और एक बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही कम समझ लो है ना, तो इससे जाहिर ये हो रहा है कि आपका जो कौन सा लिक्विड जो होता है उसमें भी क्या आपका वेट होता है, ठीक है क्या होता है वेट होता है। अब थर्ड पार्टी आती है किसका गैसेस, अरे भाई चलो ठीक है मान लेते हैं सॉलिड में वेट होता है लिक्विड में वेट होता है, लेकिन गैस में कैसा वेट होता होगा देखते हैं एक बार, सपोज किसका गैस में देखते हैं, गैस के एग्जांपल में देखते हैं, सपोज मेरे पास टू वुडन स्ट्रिप्स है, ठीक है एक वुडन स्ट्रिप लेते हैं सीधा ऐसे, एक बिल्कुल सीधा वाला है ना,
स्ट्रेट वुडन स्ट्रिप लेते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है आपका जो बैलून जो होता है, बैलून बैलून जो होते हैं उसमें क्या कर दिए, एयर फिल कर दिए, ठीक है, इक्वल अमाउंट में एयर फिल कर दिए, इसको थ्रेड से ऐसे बांध दिए, ठीक है, ठीक है, दोनों में क्या कर दिए, इक्वल अमाउंट में क्या कर दिए, एयर इसमें फिल कर दिए, सपोज इक्वल अमाउंट में एयर प्रेजेंट है। और जैसे मैं क्या करता हूँ, ये कंपेयर अगर किया जाए दोनों को तो अभी इक्वल है दोनों, लेकिन जैसे मैं इसमें से क्या करता हूँ, एयर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, यहाँ से एयर को रिमूव कर देता हूँ, तो ये क्या होता है ऑटोमेटिकली, ये जो दिख रहा है आपका ये वाला बैलून है ना, ये नीचे की तरफ जाने लग जाती है और ये ऊपर की तरफ आने, ऊपर की तरफ जाने लग जाती है, मतलब जाहिर सी बात है जैसे यहाँ से रिमूव होता है एयर, तो इसका वेट क्या होता है ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है नीचे की तरफ डाउन हो जाता है और ये ऊपर की तरफ चला जाता है ना। इससे ये भी सिद्ध होता है कि यहाँ पे जो गैसेस जो होती है, गैसेस में भी क्या होती है आपका वेट प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, वेट होता है, किसमें, गैसेस में भी क्या होता है वेट होता है। तो देख सकते हैं डू सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस हैव वेट, यस, मतलब सॉलिड लिक्विड एंड जो गैसेस होता है उस सब में क्या होता है वेट प्रेजेंट होता है, क्लियर है। आपको देखे होंगे कि मैटर जो होता है उसमें टू टाइप का कैरेक्टर बिल्कुल प्रेजेंट होता है, कौन कौन सा, फर्स्ट मैटर का कैरेक्टर यह है कि फर्स्ट ऑक्यूपाई स्पेस है ना, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, हैव मास। तो इनके कैरेक्टर्स को देखते हैं सॉलिड लिक्विड और गैसेस कौन कौन सा आपका मैटर है कि नहीं, उसको कैरेक्टराइज करके देखते हैं, तो कंपैरिजन इसमें करके देखते हैं। तो देखते हैं सॉलिड लिक्विड और गैसेस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं, इसके बाद देखते हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस जो होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा कि आपका सॉलिड लिक्विड एंड गैस वो आपका मैटर है या नहीं। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर दिया इसमें, तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें फ्लो, सबसे पहले देखते हैं क्या इसमें फ्लो, तो हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर देखते हैं इसमें, तो सबसे पहले क्या होता है आपका फ्लो, बहाव है ना, तो सॉलिड में क्या होता है फ्लो होता है क्या, नहीं बहाव नहीं होता, लिक्विड में यस, गैस में भी क्या होता है यस, मतलब सॉलिड सॉलिड बस में नहीं होता फ्लो, बाकी लिक्विड और जो गैसेस है उसमें क्या होता है आपका बहाव होता है। सेकंड सेकंड नंबर देखते हैं इसमें, सेकंड में क्या बोला गया है इसमें, शेप, ठीक है, शेप के बारे में अगर देखा जाए तो आपका सॉलिड जो होता है उसमें डेफिनेट शेप होता है ना, डेफिनेट शेप होता है, इसमें चेंजेबल चेंजेबल और इसमें भी चेंजेबल होता है, मतलब देखा जा सकता है कि सॉलिड लिक्विड और गैसेस में उसमें डेफिनेट शेप सिर्फ किसका होता है, सॉलिड का होता है, लिक्विड का चेंजेबल होता है और गैसेस का भी क्या होता है आपका चेंजेबल होता है। और थर्ड आता है आपका कौन सा, थर्ड आता है आपका कौन सा, ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस। तो इसमें देखो ये करेक्टर जो दिख रहा है आपका कौन सा, इसमें सॉलिड में भी क्या होता है ऑक्यूपाई स्पेस होता है, लिक्विड में भी ऑक्यूपाई स्पेस और गैस में भी ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं वेट, वेट को अगर देखा जाए इसमें लास्ट करेक्टर है आपका कौन सा, वेट। तो इसमें भी क्या होता है वेट प्रेजेंट होता है, इसमें भी वेट प्रेजेंट होता है, इसमें भी वेट प्रेजेंट होता है, मतलब हम लोग कब मैटर के कंपेयर करेंगे जिसमें ऑक्यूपाई स्पेस प्रेजेंट है, मतलब जो करेक्टर मैच कर रहा है, देखो वेट भी इसमें पूरे में है और ऑक्यूपाई स्पेस भी पूरे में है, तो मतलब बोल सकते हैं कि सॉलिड लिक्विड एंड जो गैसेस जो होता है वो क्या करें ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वेट, तो क्या बोल सकते हैं उसको, मैटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैटर का करेक्टर देखते हैं इसके बाद, तो बोल सकते हैं हम लोग मैटर, मैटर हैज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। जो आपका मैटर जो होता है उसमें क्या होता है वेट और ऑक्यूपाई स्पेस प्रेजेंट होता है, तो वो क्या कहलाएगा आपका मैटर कहलाएगा। तो इसके बाद देखते हैं इसी में मैटर्स के अंतर्गत देखते हैं, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेज, क्या मैटर जो होता है आप अपना स्टेज चेंज कर सकता है, यस yes. तो देखते हैं इसमें, तो बोल सकते हैं कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, यस। अगर देखा जाए कुछ लोग बोलेंगे कि मैटर कैसे अपना स्टेट चेंज करता होगा, अब हम लोग लिखेंगे किसका, आयरन का एग्जांपल लेते हैं, आयरन का एग्जांपल लेते हैं, वो तो सॉलिड फॉर्म में है। अब गैस जो देखते हैं आपका कौन सा, सॉरी
लिक्विड, जैसे आपका वाटर है वो तो क्या आपका लिक्विड फॉर्म में है, और जैसे कि बहुत सारे जो गैस है ना, ये गैसेस हो गए, ये सब क्या आपका अलग अलग फॉर्म में थे, कैसे आपका चेंज होता होगा स्टेट, तो वह बताते हैं कि आपका मैटर जो होता है वो क्या करता है स्टेट चेंज करता है रूम टेम्परेचर के बेस पे, है ना। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस में क्या आपका सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस में क्या आपका ये आइस के फॉर्म में है, लेकिन जब जैसे इसका टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है कौन से फॉर्म में आ जाता है आपका वाटर के फॉर्म में आ जाता है, और जैसे इसका टेम्परेचर को और बढ़ाया जाता है फिर इंक्रीज किया जाता है तो कौन सा वेपर या फिर गैस के फॉर्म में आपका आ जाता है। उसी तरीके से फिर से इसको जब क्या किया जाता है फिर से कंडेंस्ड किया जाता है, कंडेंस्ड करके 0 डिग्री सेल्सियस में फिर से रखा जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर से इसका टेम्परेचर क्या किया जाता है इंक्रीज किया जाता है आइस का, है ना। तो क्या होता है वाटर में, और वाटर का टेम्परेचर और इंक्रीज किया जाता है तब वो वेपर के फॉर्म में मतलब गैस के फॉर्म में हो जाता है। तो मतलब बोल सकते हैं कि मैटर चेंज इट्स स्टेट, है ना। तो जितना भी जो हमारे पास मैटर होता है वो एक निश्चित टेम्परेचर के बेस पे क्या होता है आपका स्टेट चेंज करते रहता है, मतलब आइस है उसके बाद वाटर फिर उसके बाद वेपर, है ना, फिर से कंडेंस्ड होगा फिर से क्या होगा आइस का फॉर्मेशन करेगा, है ना, उसके बाद फिर से वाटर का फिर से वेपर, इस तरीके से साइकिल के फॉर्म में चलता रहता है। तो बोल सकते हैं कि ये सभी क्या होते हैं आपका स्टेट चेंज करते हैं, एक निश्चित टेम्परेचर में क्या करते हैं आपका स्टेट चेंज करते हैं, ठीक है। इस इसमें एक एग्जाम्पल किसका लेते हैं आपका कैंडल की एग्जांपल लेते हैं, किसका कैंडल का, ठीक है। सपोज अभी कैंडल क्या दिख रहा है इसमें, सपोज हमारे पास क्या है आपका एक कैंडल दिख रहा है, ठीक है, कैंडल दिख रहा है। अब कैंडल में क्या कर रहे हैं हम लोग मैच स्टिक्स के थ्रू क्या करते हैं इसको जला रहा है, ठीक है। अब जलेगा जैसे जैसे जलते जाएगा मतलब टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो यहाँ पे जो वैक्स जो दिख रहा है आपको ये क्या होगा मेल्ट होकर के नीचे की तरफ ऐसे आते जाएगा, लेकिन साथ ही साथ जब ये क्या कर रहा है इसके साथ जल रहा है तो कौन सा गैसेस के फॉर्म में भी क्या होता है आपका कन्वर्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब पूरा जल जाएगा उसके बाद फिर से वैक्स जो है आपका कौन सा सॉलिड फॉर्म में आपका फिर से आ जाएगा। तो मतलब बोल सकते हैं कि जैसा जैसा टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो जो मैटर जो होता है उसका स्टेट क्या होता जाता है चेंज होते जाता है। सपोज यहाँ पे देखो जब यहाँ पे हम जला रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ से देखो ये और ये क्या करता है रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, मतलब गैस में भी कन्वर्ट हो गया, है ना। और साथ ही साथ जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो वैक्स जो दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये क्या हो रहा है मेल्ट होकर के मतलब पिघल करके नीचे की तरफ ऐसे इकट्ठा हो रहा है, लेकिन जैसे टेम्परेचर क्या हो जाता है आपका इंक्रीज करना बंद कर देते हैं तो ये फिर से कौन सी इस फॉर्म में आ जाता है सॉलिड के फॉर्म में आ जाता है। मतलब बोल सकते हैं कि जितने भी जो मैटर जो होते हैं उसका स्टेट क्या होता है टेम्परेचर देने पर चेंज होता रहता है, क्लियर है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।